हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएनसी के बाद जो फर्स्ट पीरियड आता है उसमें ब्लीडिंग कितने दिन तक होना नॉर्मल है और कितने दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें ये जानने के लिए कि ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है और कितना नॉर्मल है कितना नॉर्मल नहीं है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि डीएनसी के बाद जो फर्स्ट पीरियड आता है उसमें ब्लीडिंग कितनी होती है नॉर्मली। तो नॉर्मली ब्लीडिंग आपको 7 दिन से कम ही होगी और उस ब्लीडिंग में आपको हल्के क्लॉट्स दिख सकते हैं, हल्के फाइन क्लॉट्स आपको दिख सकते हैं। याद रखें कि ज़्यादा बड़े क्लॉट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़े अगर क्लॉट्स हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। छोटे छोटे फाइन क्लॉट्स आपको दिख सकते हैं, बिल्कुल कॉमन है, नॉर्मल है, इसको आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर ब्लीडिंग आपको 7 दिन से ज़्यादा खिंच रही है, यानी कि 7 दिन से ज़्यादा हो रही है और ब्लीडिंग काफ़ी हैवी हो रही है, आपको हर 2 घंटे में पैड बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, इतनी ब्लीडिंग आपको हो रही है, तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग में नहीं आता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि 7 दिन से कम ब्लीडिंग होना नॉर्मल है और 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग काफ़ी हैवी हो रही है, यानी कि हर 2 घंटे में आप पैड बदल रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल में नहीं माना जाता है। इसको डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। रहा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।